ठीक है। तो बात यह है कि आप हमदर्दी का वोट ले सकते हैं, लेकिन जब कारकर्दगी का वोट पल्ले ना हो तो जीत हमदर्दी का वोट कितना काम आएगा, वो मुमकिन नहीं होता कि आप सीट निकाल लें। मियां साहब को कहां देख रहे हैं आप, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को? मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी, मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट में कौमी असेंबली में बड़ी पार्टी तो उन्हीं की होगी, ज्यादा वोट पार्टी के अलावा मैं बहसियत मियां नवाज शरीफ से बात कर रहा हूँ। आप यह सीधी सीधी बात करें ना, क्या आप आप समझ गए, आप जवाब दे दीजिए। इस बात का जवाब तो कल मियां शहबाज शरीफ ने दे दिया था। वैसे उन्होंने कहा था कि अगर सादा अक्सरियत मिली, अगर सादा अक्सरियत मिली तो फिर मियां नवाज शरीफ हमारे वजारत उज़्मा के कैंडिडेट या वज़ीर आज़म होंगे। नहीं नहीं, पूरा फिक्र नहीं है, पूरा फिक्रा उनका इस तरह से था, उन्होंने कहा जी अगर सादा अक्सरियत मिली तो फिर मियां नवाज शरीफ हमारे वजीर आजम होंगे, वरना दूसरी सूरत में हम मशावरत करेंगे। सूरत दूसरी है, इसमें एक लाइटर मोड में खबर जाना, खबर वो दूसरी सूरत की है। अच्छा, दूसरी सूरत की खबर खबर वही है, फिर की फिर बात है, इसमें खबर नहीं, लाइन लगी हुई है। इसमें दो चीजें हैं, मैं सिर्फ नकवी साहब सिर्फ एक मिनट में जो दीजिएगा, उसमें जो दूसरा फिक्रा उन्होंने इसके साथ एक और जुमला कसा था, उन्होंने कहा था कि जी खान पीन नू राज परी ते सिर प्राणू जुमा जुमा ठीक है ना। इसका मतलब ये था कि अगर वो सादा अक्सरियत ना मिली तो फिर खाकसर हाजिर आके वो मुझे नवाज शरीफ साहब ने आज जो पैगाम दिया जब उन्होंने अपना वोट कास्ट किया तो उन्होंने थोड़े से हाथ जोड़े और ये कहा कि मखलूत हुकूमत नहीं, एक पार्टी को मैंडेट मिलना चाहिए। ये वही मैसेज है जब 2013 में उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच की थी, 2013 में किया था कि मुझे ठीक है मैंडेट चाहिए। जो वोट डाला है वो शेर को नहीं डाला को वोट डाला है और मैंडेट वो अपने लिए मांग रहे हैं। मैंडेट अपने लिए मांगो, किससे मांग रहे हैं? सिंबॉलिक समझ ले कहां से मांग रहे वो। नहीं मेरे साथ अपना नकी साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब आप किसी को साथ मिला उसको साथ देना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज और है, क्योंकि ये आपने मियां नवाज शरीफ के वाले से बात की तो मैंने इसलिए ये बात आपको सारी बताई, लेकिन अगर हम ओवरऑल सारे मुल्क का सिनेरियो भी तो देखना चाहिए ना। हम यहाँ लाहौर बैठ के सिर्फ लाहौर के टिकटों की बात नहीं कर रहे, हमें मामला ये है कि इस वक्त जैसे हमने शुरू में कहा कि मुस्लिम लीग नून सिंध में तो गई नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं गई और खैबर पख्तूनख्वा में दो जलसे उनके किए। अब पंजाब से अगर इस वक्त जो सूरत हाल नजर आती है उसमें फर्ज करें 90 के करीब सीटें आती हैं तो बाकी उनको सादा अक्सरियत तो नहीं बनती ना उससे, उसके लिए उनको फिर 30-35 सीटें और चाहिए, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ पॉकेट से आनी है। नंबर वन, उसके लिए उनको फिर सौदेबाजी करना पड़ेगी।